नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया। बीसीसीआई और आईपीएल 2022 में पार्टिसिपेट करने वाली सभी फ्रेंचाइजियां फिलहाल पूरी तरह से जोरों शोरों से आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शंस की तैयारी में जुटी है। लेकिन जिस तरह से भारत में लगातार कोविड-19 के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए बीसीसीआई ने आईपीएल 2022 के रिगार्डिंग एक अर्जेंट मीटिंग को होस्ट किया था, जहां पर बीसीसीआई, आईपीएल गवर्निंग काउंसिल और आईपीएल 2022 की सभी टीमों के मालिक इस मीटिंग का हिस्सा हुए थे। फाइनली अब यह मीटिंग खत्म हो चुकी। इस मीटिंग के दौरान बीसीसीआई ने आईपीएल 2022 के रिगार्डिंग काफी सारी बड़ी-बड़ी अनाउंसमेंट्स किए, जहां पर आईपीएल 2022 की होस्टिंग के ऊपर और साथ ही साथ आईपीएल 2022 की मेगा ऑक्शंस के ऊपर बीसीसीआई ने एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया है। और इस वीडियो में आपको इस मीटिंग में बीसीसीआई द्वारा लिए गए सभी डिसीजंस को वन बाय वन पूरी तरह से एक्सप्लोर करने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और वीडियो के नीचे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो हम आपका समय यहां पर बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे, डायरेक्ट अपने टॉपिक पर आते तो सर ये बात कर लेते हैं उन सभी बड़े डिसीजंस की जो इस मीटिंग के दौरान आईपीएल 2022 के रिगार्डिंग बीसीसीआई ने लिए हैं। तो पहला डिसीजन यहां पर आईपीएल 2022 की होस्टिंग के रिगार्डिंग लिया है, जहां पर बीसीसीआई ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि भारत में आईपीएल को 10 शहरों में कराने का जो प्लान था उसको यहां पर पूरी तरह से कैंसिल कर दिया गया है। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने आईपीएल 2022 को होस्ट करने के लिए बीसीसीआई को इनवाइट किया था, उसको भी यहां पर बीसीसीआई ने डिक्लाइन कर दिया है। और भैया फिलहाल बीसीसीआई ऐसा चाहता है कि भारत में ही हमें मुंबई के तीनों स्टेडियम्स में आईपीएल 2022 के सभी महामुकाबले देखने को मिले। वही आईपीएल 2022 की टीमों के जो ओनर्स है वैसा कह रहे हैं कि भैया यदि भारत में आईपीएल पॉसिबल नहीं हो पाता है तो फॉरेन कंट्री के ऑप्शंस में यहां पर यूएई और साउथ अफ्रीका, इन दोनों में से किसी एक कंट्री में हमें आईपीएल 2022 के महामुकाबले देखने को मिले। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट की, तो ये अपडेट निकल कर आ रहा है आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शंस को लेकर, जहां पर बीसीसीआई ने पहले ऐसा बोल दिया था कि भाई 12 फरवरी और 13 फरवरी को बेंगलुरु में हमें आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शंस देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन दोस्तों अब यहां पर वेन्यू को बदलने के बारे में बीसीसीआई लगातार विचार कर रही है, क्योंकि फिलहाल बेंगलुरु में डेली एवरेज 30,000 प्लस कोविड-19 पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, जिसके चलते बीसीसीआई ने इस मीटिंग के दौरान इसके ऊपर भी काफी बड़ा डिस्कशन किया। और अब जो लेटेस्ट अपडेट है उसके मुताबिक ऐसा बताया जा रहा है कि मेगा ऑक्शंस के लिए वेन्यू भी यहां पर डेफिनेटली चेंज होने वाले हैं। 12 फरवरी और 13 फरवरी को हमें मुंबई में ही आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शंस देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट की, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा 2010 से चल रहे इंडिया के नंबर वन गेमिंग प्लेटफॉर्म रेडी अन्ना के बारे में, जहां पे 160 प्लस गेम्स खेल सकते हैं। इनके पास 15 प्लस साइट्स और भारत में इनकी 100 से ज्यादा ब्रांचेज है। 24/7 की विड्रो सर्विस आपको यहां मिल जाती है। आप इनसे व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट करके सभी डिटेल्स ले सकते हैं और कमेंट बॉक्स में आपको इनके टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहां पर आप सभी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट की, तो यह अपडेट निकल कर आ रहा है आईपीएल 2022 में ऑडियंस को लेकर, जहां पर बीसीसीआई ने आधिकारिक तौर पर यह कंफर्म कर दिया कि यदि भारत में आईपीएल 2022 को होस्ट किया जाता है तो हमें बिल्कुल भी यहां पर ऑडियंस देखने को नहीं मिलेगी। बिना किसी ऑडियंस के आईपीएल 2022 के सभी महामुकाबले हमें देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन अगर यहां पर किसी अनदर कंट्री में, फॉरिन कंट्री में, यूएई या फिर साउथ अफ्रीका में आईपीएल 2022 को होस्ट किया जाता है तो यहां पर हमें कुछ परसेंट ऑडियंस अलाउ हो सकती, यहां पर मतलब ये जो पूरा सिनेरियो पूरी तरह से उस कंट्री की जो गवर्नमेंट उसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है। लेकिन फिलहाल अगर भारत में आईपीएल होता है तो हमें बिल्कुल भी यहां पर ऑडियंस देखने को नहीं मिलने वाली है। तो दोस्तों आईपीएल 2022 के रिगार्डिंग बीसीसीआई की जो अर्जेंट मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के दौरान ये तीन कंक्लूजन निकल कर आ रहे हैं। इन तीनों अपडेट्स के ऊपर आपके क्या ओपिनियन, आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल की इस वीडियो में बस इतना ही। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।